सभी दोस्तों को जय हिंद। और नए वैकेंसी के साथ मैं इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं, जो कि महत्वपूर्ण वैकेंसी है बच्चों के लिए। बच्चे तैयारी में लग जाए, वैकेंसी क्या है मैं बताने वाला इस वीडियो में। उससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और हमारा चैनल है कमांडो रिटर्न क्लासेस, जहां आपको स्टडी का चैनल है, आप लोग जाइए फॉलो कीजिए उसमें। तो बात करेंगे आज दरोगा का वैकेंसी। किसका? दरोगा वैकेंसी, जो कि बिहार में वैकेंसी आ चुका है। देखिए बिहार पुलिस बीपीएससी सब इंस्पेक्टर एसआई रिक्वायरमेंट 2023, ठीक है ना। कितनी वैकेंसी आई हुई है, क्या है, पूरी जानकारी मैं देने वाला इस वीडियो में। तो बच्चे तैयार रहे। आप झारखंड के बच्चे तभी आप फॉर्म भर सकते हैं, या बिहार के बच्चे, यूपी के बच्चे हैं, या जो वीडियो देख रहे हैं सारे बच्चे इसे फॉर्म भर सकते हैं जनरल कैटेगरी में। तो देखेंगे अप्लीकेशन बिगिन 5/10/2023 से आप लोगों का ऑनलाइन डेट शुरू होने वाला है। और लास्ट डेट कब से? 5/11/2023 तक आप लोगों का ऑनलाइन डेट लास्ट डेट है। तो दोस्तों जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस अदर स्टेट को रहेगा 700 रुपया, जो अदर स्टेट से फॉर्म भरेंगे उनको रहेगा 700 रुपया, और एसटीएससी को रहेगा 400 रुपया, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट को रहेगा 400 रुपया, ठीक है ना। ऐसी जानकारी मैं देने वाला हूँ। मिनिमम एज कितना होना चाहिए? मिनिमम एज है 20 साल, मैक्सिमम एज है 37 साल मेल के लिए, ठीक है ना। मिनिमम एज कितना है? 20 साल है, और मैक्सिमम एज 37 साल मेल के लिए है। फीमेल के लिए 40 साल तक दिया गया है। तो बात करेंगे कितना पोस्ट है, तो बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों। तो आप लोग देखेंगे पोस्ट क्या है। पोस्ट कितना है? 1275। उम्मीद है कि 1275 में जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, अगर तैयारी अच्छे से करेंगे तो शायद एक सीट का हकदार आप बन सकते हैं। 1275 सीट है जिसमें आपको दिखा गया है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? बैचलर डिग्री इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। कोई भी यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं भारत में, ग्रेजुएशन आपको पास होना अनिवार्य है, ठीक है ना। अब बात करें सीट का, सीट के बारे में जानेंगे, सीट कितना कितना सीट दिया हुआ है, ठीक है ना। पोस्ट नेम अब ध्यान देंगे यहाँ पे, पोस्ट नेम, ठीक है ना, किसको कितना मिला है वो मैं बताने वाला हूँ अभी। ध्यान देंगे इसमें जनरल वाले बच्चे हैं 441 सीट है, 441 सीट जनरल वाले बच्चे को मिलेंगे। ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे को 111 सीट मिलने वाला है। ईबीसी वाले बच्चे को 238, ओबीसी वाले बच्चे को 107, और फीमेल ओबीसी फीमेल को 82, एससी को है 275, एसटी को है 16, ठीक है ना। और ट्रांसजेंडर को कितना है? 5 सीट दिया गया है। तो जानकारी के आप जानेंगे हाइट कितना है और क्या क्या जानकारी मैं देने वाला हूँ इसमें, ध्यान देंगे। तो बच्चे मेल फीमेल में लड़कियों के लिए हाइट कितना होना चाहिए, ध्यान देंगे। हाइट है 165 सेंटीमीटर जनरल, और ओबीसी वाले बच्चों को कितना चाहिए? 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, ठीक है ना। आदर्श को कितना चाहिए? 160 सेंटीमीटर। आदर्श को क्या चाहिए? 160 सेंटीमीटर। और बॉयज में चेस्ट कितना होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए 81 से 86, नॉर्मल आपको 81 होना चाहिए और 5 फुलाना है 86। आदर्श को चाहिए 79-84 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। बात करेंगे लड़कियों को लेकर, फीमेल को लेकर दोस्तों, फीमेल बहन सारी बहन देखेंगे। जनरल ओबीसी वाले बच्चे को है कितना? 155 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। अदर्श को भी 155 ही सेंटीमीटर चाहिए, इसमें चेस्ट नापा नहीं जाता लड़कियों में। तो बात करेंगे दौड़ कितने की करनी है। बॉयज के लिए कितना चाहिए, ध्यान देंगे। बॉयज के लिए चाहिए 1600 मीटर साढ़े छः मिनट में। बहुत आसान दौड़ है। कमांडो डिफेंस एकेडमी हमेशा सिलेक्शन बच्चे को दिया है। टोटल अभी 18 दौड़ का हमारे बिहार में पोस्टेड है, जो हमारे से ट्रेनिंग किए थे। तो आप भी आ सकते हैं ट्रेनिंग के लिए, तैयार रहे बच्चे। बात करें रनिंग को लेकर, 1600 मीटर साढ़े छः मिनट में करना है। हाई जंप कितना है? 4 फिट, या बहुत आसानी से हो जाएगा आप लोग का। लॉन्ग जंप कितना चाहिए? 12 फिट, बहुत आसान है। और गोला फेंक 16 पाउंड 16 फिट आपको फेंकना है। जितने भी आपको दिया हो फिजिकल का टर्म्स एंड कंडीशन सारा चीज़ की तैयारी कमांडो डिफेंस एकेडमी करवाता है, आप लोग आ सकते हैं। बात करेंगे लड़कियों के लेकर, हमारी सारी बहनें उनको कितना चाहिए? उनको चाहिए 1 किलोमीटर 6 मिनट में। कितना? 1 किलोमीटर 6 मिनट, मतलब 1000 मीटर 6 मिनट में चाहिए दौड़ पूरी करनी है। हाई जंप कितना है? 3 फीट, बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे मुझे पता है। 9 फीट कितना है आप लोगों का? लॉन्ग जंप है। और 12 पाउंड का जो गोला है उसको 10 फीट आप लोगों को फेंकना है। ये आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। और बच्चे जिनको ऑनलाइन आप लोग करना है तो आप लोग क्या कर सकते हैं? ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट कब होगा? 5/10/2023 को लेकर, 5/10/2023 को आप लोगों का ऑनलाइन डेट शुरू होगा। और 5/11/2023
23 तक आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। आज ज़रा नोटिफिकेशन जानकारी के लिए यहाँ दे, तो जितना भी महत्वपूर्ण जानकारी है हाइट से लेके ऊंचाई से लेके मैं सारा चीज़ इस वीडियो में बता दिया हूँ। तो जिनको भी आप लोग को फॉर्म भरना है फटाफट 5 तारीख पहुँचेगा फॉर्म भर दे और तैयारी में लग जाए, क्योंकि भाई झारखंड कुछ होगा नहीं तो बिहार के ट्राई कर ले आप लोग जो झारखंड वाले बच्चे हैं, बिल्कुल ट्राई करें। वहाँ भी हम लोग हाथ मारना है, छोड़ना कहीं नहीं है। 1200 सीट है, छोड़ेंगे नहीं, सीट बहुत बड़ी संख्या में है इसलिए छोड़ेंगे नहीं। 1275 सीट है, 1275 सीट है, 1275 सीट है। जब बिहार वाले बच्चे हमारे झारखंड में आके फॉर्म भर सकते हैं तो झारखंड वाले क्यों बिहार में जाकर फॉर्म नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं और हम लोग को काबिलियत है कि हम लोग कर भी सकते हैं। तो बच्चे तैयार रहें और वीडियो अच्छा लगा तो जरूर वीडियो को शेयर करें। और एक जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे यहाँ कमांडो रिटर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल नया खुला हुआ है, आप लोग विजिट कीजिए उसमें, सब्सक्राइब कीजिए उसमें। आज क्लासेस मिल रहा है SSC GD को लेकर, झारखंड क्लासेस करना है तो उस पर जाकर आप लोग क्लासेस कर सकते हैं। और इस चैनल को प्यार दे, जय हिंद, घने माता पिता को सम्मान दे, भारत माता की जय।